Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Good morning and it's me Eden, welcome to my channel. मैं literally अपने खुद के videos का intro भूल चुकी हूँ क्योंकि इतना time हो गया है कि मैंने कोई vlog नहीं बनाया है. So मैं आज भी ना इतना ज़्यादा confused हो रही थी कि क्या ही vlog बनाया. आपने देखा मेरे intro, मेरे को intro भी देती नहीं आया. मैं इतनी भोंदू हो चुकी हूँ जब से यहाँ आ गई हूँ, तब से मैंने कोई vlog नहीं बनाया. और अभी मैं पी रही हूँ मेरी मॉर्निंग की कॉफ़ी. मॉर्निंग में हम लोग गए थे एक बढ़िया सी वॉक पे जिसका मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बट जिसके मैंने ढेर सारे फोटोज़ खींचे कोको के. तो यू गोना चेक दैट आउट ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल, मिल जाएंगे आपको. इंस्टाग्राम चैनल भी होता है क्या भाई? इतनी भोंदू सी हो गई हूँ मैं, मेरे को बोलते भी नहीं आ रहा है. बट फिर भी मैं आज ट्राई करूँगी कि मैं आज अपने पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँ. और ये जो पेड़ों को नंगा कर दिया है, हालत कोको ने की है हमारे पेड़ों की, कि हमारे पेड़ जो है वो अच्छे खासे हरे भरे थे बट अब दे आर डेड, नंगे हो गए हैं. उनके कपड़े निकाल दिए कोको ने व्हेन वी वर नॉट एट होम. सो दिस इज हाउ द डेज आर गोइंग ओवर हियर. आई एम एंजॉयिंग माय कप ऑफ कॉफ़ी. और जो लोग मुझे एक्चुअली सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं अभी बैठी हूँ मेरे विंडो पे और यहाँ से इतना प्यारा सा व्यू दिखता है. और यहीं बैठ के मैं अपनी संडे कॉफ़ी पीती हूँ. एवरीडे की कॉफ़ी तो नहीं पी सकते हैं बिकॉज बहुत काम होते हैं मुझे और बहुत सुबह उठना पड़ता है, लेकिन संडे कॉफ़ी आई कैन. सो या लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट ऑल आई एम गोना डू इन अ डे, अ संडे एट न्यू प्लेस. सो गाइज, दिस इज़ माई न्यू किचन, इट लुक्स गुड राइट. तो अभी हम बनाने वाले हैं पोहा, बिकॉज मैंने लाइक लिटरली इतने दिन से पोहा नहीं खाया है और मेरे को इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इतने दिन से कि लेट्स हैव पोहा, लेट्स हैव पोहा. सो आई वॉज वेटिंग फॉर संडे टू कम सो दैट आई कैन हैव पोहा. अभी मैं झट से ना पोहा बनाती हूँ. पोहा की रेसिपी तो मैं नहीं शूट करने वाली हूँ बिकॉज दैट्स सो, मैं ऑलरेडी एक बार ना डाली हुई है जो मेरे पहले वीडियोज है उसमें. सो इफ यू वॉन्ट चेक दैट आउट you can, but tab tak let me cook my poha. This is the view. यहाँ हम लोग ने उबालने रख दिए हैं शकरकंदी यानी स्वीट पोटेटोज. यहाँ बन रहा है मेरा बढ़िया सा पोहा. प्लीज इग्नोर द मेस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द व्यू. लिटरली यहाँ खाना बनाना मेरे को इतना प्यारा लगता है बिकॉज यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आता है. अभी शायद कोई नारियल गिरा हुआ है नीचे. सो इट्स अमेजिंग, बहुत सही लगता है. और ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. वीडियो बनने वाला है ना, वो बहुत ही रॉ वीडियो बनने वाला है बिकॉज मैं बहुत सारे दिनों के बाद में ब्लॉग कर रही हूँ. और आप लोग जानते हो कि मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं सालों बाद भी ब्लॉग बनाऊंगी तो आई बी सो परफेक्ट. मैं तो वैसे ही जस्ट स्टार्ट की थी ब्लॉग बनाना और मेरा ब्लॉग बंद हो गया बिकॉज मुझे शिफ्टिंग था और बहुत सारे काम थे. और अभी भी देखो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्लॉग, तो मेरे पीनट्स चल रहे हैं, तो लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माय कुकिंग. बाय द वे आई एम सॉरी, आई एम टू लेट टू से दिस, बट वेरी हैप्पी न्यू ईयर. मैं न्यू 2023 का ही मेरा पहला व्लॉग है तो मैंने सबको हैप्पी न्यू ईयर तो बोलना ही चाहिए. एंड किचन तो मेरा इतना सा ही है भाई, इस समय माई किचन इज ओवर, खत्म, फिनिश्ड. किचन इज वेरी टाइनी ओवर हियर. अमोल स्निक पिकिंग. तो ब्लॉग बंद करते हैं और लेट अमोल एंटर. सो लेट्स, सो यहाँ मेरे पोहा जो है वो पूरा रेडी हो चुका है. लेट मी टेस्ट टेस्ट इट. इट्स यम. और इसके साथ में मैंने लिए स्वीट पोटैटोस. दे आर ऑल्सो गुड. बाय द वे प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए कि आप में से कितने लोग यहाँ पे पोहा में आलू डलता है, बिकॉज एज पर माई हस्बैंड उसके यहाँ पे पोहा में आलू नहीं डलता बट हमारे यहाँ पे पोहा में आलू डालते हैं. जरा देखो है अकेले ही बेड पे जाके पूरी बेडशीट खराब करके अभी क्या कर रहे हैं.
तो जी मैं फाइनली ना नहा धो के बिल्कुल ही रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया है, अच्छे खासे कपड़े डाल लिए मैंने, बिकॉज आई एम टायर्ड. इतने सारे काम होते हैं संडे के दिन. आप लोग ने देखा, आई वेंट टू ग्रॉसरी शॉपिंग, इतना सारा सामान लेके आई थी मैं, वो सब कुछ सेट करना था, फिर आई हैव टू वॉश माई ओन बहुत सारे क्लोथ्स पूरे वीक के, दैट आई हैव डन, एंड फाइनली आई एम ऑल सेट, लुकिंग गुड राइट, अच्छी खासी दिख रही हूँ मैं. एंड नाउ हम लोग जा रहे हैं बीच पे, ऐसे खुद को ही निहार रही थी मैं. यहाँ पे एक पास में बोर्डी बीच करके है जो बहुत फेमस बीच है दहानू का. हम लोग अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, लास्ट टाइम हम लोग आधे रास्ते से यू नो रिटर्न आ चुके थे बिकॉज ऑलरेडी सनसेट हो गया था. अभी तो बढ़िया सी धूप गिर रही है और मैं यहीं से आई थिंक सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि इतनी प्यारी लाइटें आ रही हैं और इतनी सुंदर लग रही हूँ मैं इस लाइट में, तो मैं तो यहीं पे खड़े खड़े सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ अभी. सो येस वी आर गोइंग देयर, बट पानी का जो है बैक फ्लो चल रहा है अभी, तो वी डोंट नो कि हमको ऐसे सुंदर वाला बीच देखने मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा. बट जो कुछ हो यार, संडे के दिन ना पूरा टाइम घर पे नहीं बैठ सकते, यू हैव टू गो एंड गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सेशन थेरेपी. तो दिस इज माय टाइम टू गिव माय सेल्फ अ रिलैक्सेशन थेरेपी, सो लेट्स गो. और अभी जैसे मैंने आपको घर पे बोला था शायद पानी जो नीचे चला गया होगा, बट द सेम थिंग एज हैपेंड, बट दिस प्लेस इज अमेजिंग. लोग आते आते पानी पूरी भी खाए हैं, सो लेट्स गो लेट्स सी क्या क्या है. ज़्यादा स्पोर्ट्स भी नहीं है यहाँ पे, कैंप राइड है मोस्ट प्रॉब्ली है, कैंप राइड. तो यहाँ अमोल लेके आया है चिकू चिप्स, नेचुरल चिकू चिप्स. मैंने तो जिंदगी में पहली दफ़ा चिकू के चिप्स सुने हैं. बाय द वे कपड़े पहन लिए हमने, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, जैसे लग रहा है जिस थोड़ी देर में फ्रीज हो जाएंगे. अमोल मैं इसलिए व्लॉग कर रही हूँ कि तुम जल्दी से खाओ और बताओ ये कैसा है. आई एम वी आर वेटिंग चिकू के चिप्स भाई साहब. कश आपने कभी ऐसे आम होता है, आम को ऐसे खींच खींच के रखते हैं घर पे, धूप में उसको सुखाते हैं और फिर खाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है. चीकू को काटा है, सुखाया है और उसको चिप्स बोल के, कितने का चूना लगवाया है ये, इतना सा पैकेट उन्होंने मुझे 60 रुपीज़ का दिया है जिसमें सिर्फ चीकू है, ड्राइड चीकू दे आर नॉट चीकू चिप्स दे आर डिहाइड्रेटेड चिकूस. जैसे हम लोग डिहाइड्रेटेड एप्रिकॉट्स वगैरह खरीदते हैं ड्राई फ्रूट वाले से, दिस आर डिहाइड्रेटेड चिकूस, दे आर नॉट चिकू चिप्स. सो फ्रॉड हो गया हमारे साथ. तो गाइस मैं भूल ही गई थी कि आई वॉज ब्लॉगिंग, मतलब हम लोग बाहर से आ गए हैं, मैंने अपना मुंह शू धो दिया है, इतने पिंपल आए पड़े हैं मेरी शक्ल पे कि बहुत ही ज़्यादा, और मैं आके सीधा घुस गई थी किचन में बिकॉज मुझे आज बनाने थे प्रॉन्स, बटर गार्लिक प्रॉन्स इज अ वन ऑफ माई फेवरेट 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 सी फूड. नहीं मेरा वन ऑफ नहीं, मेरा फेवरेट सी फूड ही प्रॉन्स है, और मैंने इतने प्यारे बटर गार्लिक प्रॉन्स बनाए हैं अभी, और बनेगी दाल और चावल. आई थिंक दाल चावल एंड फिश इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन और ऑफकोर्स द इजिएस्ट. तो अभी बनेंगे दाल चावल अमूल के लिए और मेरे लिए, और मैं और कोको खाएंगे प्रॉन्स. कोको बटर गार्लिक प्रॉन्स तो नहीं खाएगा, बस कोको के लिए बने हैं सिंपल बटरी प्रॉन्स, और मेरे बने बढ़िया से बटर गार्लिक प्रॉन्स. तो लेट्स सी यू गाइस. नहीं यार मतलब सी यू मेरे को नहीं लगता है कि मैं ऐसे ब्लॉग श्लॉग बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, बट हाँ बना लिया. तो अगर मैं नहीं भूली कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ ना, तो मैं भूल जा रही हूँ. बाय द वे दिस गार्लिक प्रॉन्स आर लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही यमिलीशियसली यमिलीशियस लग रहे हैं ये. तो हाँ जी हम लोग इस व्लॉग को शायद यही ख़त्म कर देना चाहिए, और बहुत सारा व्यूज़ दो, बहुत सारे लाइक्स करो, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ मेरे, ताकि मुझे ना ऐसे मोटिवेशन मिले कि मुझे रोज़ व्लॉग बनाना है, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग भी बनाना है. तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी टिल नाउ, एंड या कॉमेंट डाउन करिए
कि व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू सी, व्हाट टाइप ऑफ वीडियो शुड आई मेक नेक्स्ट, और हाँ जी बस इतना ही. टाटा बाय बाय, हैप्पी 2023.